मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से अब दलीलें सामने आ रही हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा हलफनामा जारी किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए जी बहुत बहुत अच्छा है। और अभी जो मेरे साथी जो बात कर रहे थे, बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि किसी आदमी को अगर किसी चीज से वंचित रखा जाता है तो उसके बारे में वो जानता नहीं जी। यकीनी तौर से मुस्लिम शासकों ने मुसलमानों को शिक्षा से वंचित रखा जी। और नतीजा उसका ये हुआ कि वो मुख्य धारा से भी कट गए और उन लोगों ने फिर उन्हें जज्बाती बनाने का पूरा पूरा काम किया जी। और मैं आज ये समझता हूँ कि जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है और मदरसों में जो वाकई एक सुधार हो रहा है वो बहुत ही एक स्वागत योग्य है। और मैं आज ये समझता हूँ कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मुद्दा है ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये हल इस सरकार में हो जाएगा तो हमारा भाईचारा इसी तरह से बना रहेगा और हम सब मिलकर के एक साथ रहेंगे। और हमें रहना चाहिए और इसलिए रहना चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम हैं तो सब एक ही नरोनारी की संतान, हमारा ईश्वर एक है, उसे अल्लाह कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, सब परमात्मा कहें, वो हम सब का मालिक एक है और उसी के लिए मस्जिद और मंदिर जो है ये अल्लाह के घर हैं, ईश्वर के घर हैं और किसी भी ईश्वर के घर का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा तो ये रही है कि हमने तो सबको एडॉप्ट किया है और हमारे जितने मजाहिब सारी दुनिया में पाए जाते हैं उतने हिंदुस्तान भर में पाए जाते हैं जितने, और ये भी ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि जितने मौसम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उतने मौसम यहाँ पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सबकी कदर करनी चाहिए और जो ईश्वर ने हमें ये सारे जो ये नेमतें दी हैं, जो उसने अपने पुरस्कार हमें उपकार दिए हैं, उसका हमें कदर करनी चाहिए जी। मुफ्ती जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं, आखिर में हम एक हिंदुस्तानी ही हैं, जाहिर सी बात है हम सब एक हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या अगर पक्ष जो फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा, क्या उसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से माना जाएगा? क्या उस पर आगे कोई बहस नहीं छिड़ेगी? मैं ऐसा मानता हूं कि 2010 में जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त हमने पूरे देश प्रदेश में भ्रमण किए थे और हमने ये उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। और आपने देखा कि वो फैसला आने के बाद सबने माना था। ये अलग बात है कि जो ये पक्षकार लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा आखिरी न्याय का मंदिर है और वहाँ जो फैसला होगा वो सब लोगों को मानना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मानेंगे, इसलिए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। अगर मस्जिद या मंदिर दोनों के हक में जिसमें भी आए, और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जो है हमारी अक्सरियत हमारे भाई रहते हैं, वो भी उनकी उनकी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है, बाकी मानते तो सब ईश्वर को ही है जी, बिल्कुल, सब ईश्वर की तो पूजा करते हैं और ईश्वर की तो प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा तो झगड़े का होना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो पहले भी ये कहा कि ये अंग्रेजों ने हमें इतना इतना बांट दिया था और उससे पहले जो लोग आए थे, यानी जैसे मैं बाबर का अगर नाम लूं तो बाबर के एक मीर बाकी करके उनका कोई सिपे सालार था, उसने खुशामत में वहां मस्जिदें बनाई। आज भी लोग जो है वो अपने शासकों को खुश करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, तो उसका अगर उसका कोई ऐसा वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, हम सारा एक धर्म है, हम हिंदुस्तानी है, हमने मिलकर सब कुछ करना चाहिए। तो लगातार इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती जी और सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले मुफ्ती जी ने जिस तरीके से बोला कि अगर कोई भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे क्योंकि आखिर में हम लोग हिंदुस्तानी है, तो सतपाल जी के पास जाते हैं। सतपाल जी, जिस तरीके से मुफ्ती जी ने बोला कि जो भी फैसला आएगा वो हम मानेंगे क्योंकि आखिर में हम लोग हिंदुस्तान ही है, एक ही हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में ही रहते हैं। नहीं, मुफ्ती जी की सब बात सही है लेकिन आखिर में नहीं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में मजहब, बाद में पहले हिंदुस्तानी हैं हम जी। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दलीलें रखी जा रही हैं और आज की दलील में रखा गया है हिंदू पक्षकार की तरफ से कि हिंदू और मुसलमान दोनों उपासना करते रहे हैं, मुगलों ने जबरन मस्जिद बनाई थी।
में बाबर 1526 में आया इस देश में, 1526 से पहले ये रामलला का मंदिर था, अयोध्या राम जी का जन्म स्थली थी, ये सारी दुनिया जानती है। वो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा, मीर बाकी नाम का एक चाटुकार था, उसने चमचागिरी करने में यहाँ से हिंदू ब्राह्मणों को हटा दिया, और हटाने के बाद उन्होंने यहाँ इसका नाम भी बाबरी मस्जिद रख दिया बाबर के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि किसी के नाम पर कोई मस्जिद दुनिया में नहीं है, जामा मस्जिद हो सकती है और किसी धार्मिक नाम पर हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर एक दुनिया में एक यही मस्जिद है जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा थी, और उसने अपनी चाटुकारिता की, क्योंकि अगर आज वो होते तो उनको दंड दिया जाना जरूरी था, वो है नहीं, तो जो लोग आज हैं वो आपस में क्यों लड़ें, क्योंकि ये तो उस वक्त थे ही नहीं। बिल्कुल, इनके पूर्वज तो हमारे पूर्वज, इनके पूर्वज सब हिंदू थे उस वक्त, ये तो बाद में कन्वर्टेड हैं, तो इनका तो कोई दोष है ही नहीं। आज इनका इतना ही जो फर्ज बनता है जो ये अदा करने जा रहे हैं, कि ये हंसी खुशी से ये भूमि राम मंदिर को के लिए दे दें और राम मंदिर बनाने में सहयोग दें, ताकि देश में कोई किसी प्रकार का वैमनस्य की भावना ना आए, दोनों धर्मों का आपसी मेल मिलाप बना रहे, सदाचार भाईचारा जैसे पहले है वैसा ही बना रहे। सतपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ले रहे हैं तो लगातार हमारे साथ मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट सामने आ रहा है कि मुस्लिम हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखी गई है, उन्होंने कहा है कि मुगलों ने जबरन मस्जिद बनाई थी। नहीं देखिए, मैं यही बात कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, देखिए जब वो इतने सारी चीजों को इतने तजुर्बेकार हैं, इतना अनुभव उनके साथ है, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस बनना और वहां तक पहुंचना ये उसके अनुभव पर ही निर्भर करता है, और उन्होंने सारी बारीकियां उनके सामने हैं, देश भी उनके सामने है, देश की परंपराएं भी उनके सामने हैं, और देश का भाईचारा भी उनके सामने है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला, अब हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो भी फैसला माननीय न्यायालय के यहाँ से आता है, सर्वोच्च न्यायालय से, उसे सारे लोगों को मानना चाहिए और बसरोचस्म उसे तस्लीम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें हम बिल्कुल, मैं मतलब मुझे पूरी आशा है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय सब जो हैं अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, और विश्व गुरु की पद्धति पाने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ताकत का संतुलन न होने की बिना पर वहां लोग अपने अपने ताकत का इस्तेमाल करके कमजोरों को सता रहे हैं, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी भी, यानी उसने सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए की बात की है, और ये परंपरा हमारी रही है, हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे, हम भारतीयों के अंदर है, हम पहले, यानी सारी चीजों को छोड़ के अगर हम देखें तो अपने भारतीय होने पर हमें गर्व होता है, और इसलिए गर्व हमें होना चाहिए और होता है और होता रहेगा कि आज पूरी दुनिया में जो है वो हमारे कमजोर होने की बिना पर, आपसे आपस में लड़ने की बिना पर, यहाँ जो लॉर्ड मैकाले ने आकर के जो शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा कुंभ में यहाँ आकर के बदलाव किया था, उससे पहले हम लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं थी कि एक दूसरे के दुख सुख को अपना समझते थे। इस एजुकेशन ने आकर के, अंग्रेजों ने हमें जब इन हमारी भावनाओं को देखा तो उसने आकर के एक षड्यंत्र किया और कहा कि इनमें ऐसा माहौल बना दो कि ये एक दूसरे के प्रति, इनके अंदर प्यार खत्म हो जाए, एक दूसरे की के लिए जो भावनाएं हैं इनमें वो खत्म हो। अभी आप देखेंगे कि अभी पिछले इसमें एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, इस गवर्नमेंट ने जो है वो स्वामी रामदेव जी ने एक भारतीय बोर्ड बनाया है, और उस बोर्ड के अंतर्गत जो एजुकेशन का उन्होंने जो वो आगे से बढ़ाएंगे वो भारतीयता को मजबूत करेगी वो चीज। मैं इसी तरह से ये भी चाहता हूं कि जो सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है पूरी दुनिया में, आज हमें इज्जत दी जा रही है। आप देखिएगा कि एक दौर वो था कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमें मिलने का टाइम नहीं देता था, और हम कभी कभी वहां से, हमारे कई ऐसे उदाहरण हैं कि वहां से लौट कर के बगैर मिले, और आज वहां का
प्रेसिडेंट हमारा इंतजार करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे नरेंद्र मोदी भाई नरेंद्र मोदी जी जब वहां जाते हैं तो इस तरह से वो स्वागत करता है। तो हमें इन बातों को भाई आगे बढ़ाना चाहिए और मस्जिद और मंदिर के मुद्दा जितना जल्दी, मैं तो ये समझता हूँ कि नवंबर से पहले ये मसला जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हमारे भाईचारा जो है प्रभावित ना हो और वहाँ हम अपना अपना फिर से अपने देश को फिर विश्व गुरु की पद्धति की तरफ ला सके। जी, ऐसा मैं मुफ्ती जी आप हमारे साथ जुड़े और अपनी जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।